हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया मॉक टेस्ट है। आपके स्क्रीन के सामने पहला एक क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोग होने वाला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10, 7, 3 या 2000? बताइए आप लोग इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में आप लोग बताते जाइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका 7 है। अब 7 क्यों है, इसका रीजन क्या है? इसका जो मेनली जो सबसे मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो इसका रीजन है कि ये ऑफलाइन मोड पे काम करता है, ठीक है। और 2000 और 3 जो है ये पुराना हो चुका है, और 10 जो है थोड़ा ये ऑनलाइन मोड पे काम करता है। कुछ कमांड हम यूज में लाते हैं, कुछ नहीं लेकर आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन पे काम करता है, इसलिए जो बेटर तरीके से काम करता है वो 7 ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रा टेबल विकल्प में हम कॉलम और रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए, सही है या गलत है? तो सही है या गलत है? तो देखिए एक बार क्वेश्चन को देखिए। ड्रा टेबल के विकल्प में हम कॉलम और रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए, तो यानी कि जब टेबल बनाते हैं तो हमें रो और कॉलम की जरूरत पड़ती है, यानी इसका मतलब है कि सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सही है या गलत है? ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्यों गलत है? कि यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं होता है, एमएस एक्सेल एक प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट जो है एक वर्कबुक का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होता है, सही है या गलत? तो स्लाइड शो में एक्सेल का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो होते हैं? 75536, 65536, 56536, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा 65536। अब 65536 से किसकी काउंट कर रहा है? कि 2003 की, सॉरी 2003 की कर रहे हैं यहाँ पे, 2007 की बात करेगा तो 10,48,576 रो होते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को कहते हैं नेस्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका नेस्टेड फंक्शन। सारे क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तभी एग्जाम दे पाएंगे आप अच्छे से। अगर कहीं भी अगर ऐसे एग्जाम डायरेक्ट अगर देने जाएंगे तो फिर दिक्कत है आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस बार का कर सकते हैं, डिलीट, बैक स्पेस, एंटर, स्पेस बार। देखिए बाईं तरफ से बात कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका बैक स्पेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रो और कॉलम का कटाव क्या कहलाता है, टेबल, सेल, डेटा सीट? तो इसका जो सही जवाब होगा सेल, यानी कि जो रो और कॉलम की कटाव, यानी जब रो और कॉलम जब मिलता है तो सेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल की टाइटल बार में कौन से बटन होते हैं? एक्सेल के टाइटल बार में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ओपन, ए और बी? तो इसका जो सही जवाब होगा ए और बी, ठीक है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दो बटन होते हैं, ओपन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं है, फंक्शन, कॉपी और मोप, ग्राफ, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए एक्सेल में ऐसे कोई सी क्षमता नहीं होती है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि आपका ये चौथा गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट होती है, 10, 16, 256, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब होगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में अतिरिक्त मेन्यू कौन सा होता है, टूल्स, फाइल, डेटा, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है फाइल मेन्यू, यानी कि फाइल मेन्यू जो होती है 2010 में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, राइट एरो, आल्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल होम? तो इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है जो सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षक तरीके से प्रतिपादन करता है। चार्ट, टेबल, पिक्चर, ग्राफिक्स। तो इसका सही जवाब होगा आपका चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूले में शुरू से अंत सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे पृथक करते हैं। सेमीकॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन। इसका सही जवाब होगा कॉलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। ग्राफिक्स, स्टाइल, पिक्चर, थीम। इसका सही जवाब है आपका स्टाइल। नेक्स्ट, वैल्यू एंट्री किनसे मिलकर बनती है? 09, डॉलर, दशमलव अंक, उपरोक्त सभी। तो वैल्यू एंट्री जो है इन सभी से मिलकर बनता है, यानी इसका उपरोक्त सभी सब सही है। यानी कि आपको नंबर भी चाहिए होता है, डॉलर भी चाहिए होता है, दशमलव अंक भी चाहिए होता है, तभी तो एक आपकी सही वैल्यू मानी जाती है। नेक्स्ट, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? नई वर्कशीट, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस एफ वन, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस एफ टू, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस एफ थ्री, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस एफ फोर। इसका जो सही जवाब है पहला, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस एफ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला एंट्रीज के दो प्रकार से हैं, रिलेटिव एब्सोल्यूट, मिक्सेड एब्सोल्यूट, मिक्सेड रिलेटिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका रिलेटिव एब्सोल्यूट, यानी कि पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? एक्सेल, विन एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड। तो एक्सेल को रन विंडो में टाइप करने के लिए हमें एक्सेल टाइप करना पड़ता है, ठीक है। यानी देखिए एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, यानी जब रन में आपको एक्सेल ओपन करना है तो आप क्या टाइप करते हैं? तो एक्सेल वहां पे टाइप करेंगे तभी तो एक्सेल ओपन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट एक्सेल, डॉट एलएक्स, डॉट डीओसी, डॉट एक्सएलएक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा डॉट एक्सएलएस। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टी ओ सी एक्स, डॉट वाई एल टी एक्स, डॉट एक्स एल टी एक्स, डॉट जेड एल टी एक्स। इसका जो सही जवाब होगा डॉट एक्स एल टी एक्स। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट सीट, तो आपको सबको पता है बहुत इजी है, ये आपका तीन होते हैं, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री के नाम से आता है। नेक्स्ट, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान और आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है क्या है? चार्ट, टेबल, पिक्चर, ग्राफिक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला बार में डैश के द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सेंट रेंज का वर्णन करता है। सेमीकॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन। इसका सही जवाब होगा आपका कॉमा, यानी कॉमा के साथ ही हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं एक एक फॉर्मूले को। आपको एग्जांपल के लिए अगर बताएं तो ईव का फार्मूला या सम ईव का फार्मूला लगाया होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एज वर्क स्पेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है? डॉट एक्सएलएस, डॉट एक्सएलडब्ल्यू, डॉट एक्सएलडब्ल्यूएल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा एक्सएलडब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल शीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड होती है? वेब पेज, सेव एज वेब पेज प्रीव्यू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सेव एज वेब पेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है एग्जिट, क्लोज, एग्जिट ऑल, एग्जिट ऑल। इसका सही जवाब होगा एग्जिट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं होता है, टूल, फार्मूला, रिव्यू, पेज लेआउट। तो 2007 में आपका ये टूल नामक कमांड, आपका यहाँ मेनू नहीं होते हैं, ये जो टैब बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करती है, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, उपरोक्त सभी। इसका जो सही जवाब होगा सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, आपने अगर वीडियो देखा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।